Good morning, today is 11th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे WTO से संबंधित है. डिटेल से इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे. नीचे ये आर्टिकल साउथ अफ्रीका की अंदरूनी राजनीति से संबंधित है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे. बीच में ये आर्टिकल नॉर्थ कोरिया के बारे में है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे. और नीचे ये आर्टिकल ट्रिपल तलाक के बारे में है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे. दूसरे पेज पे यहाँ पे ये आर्टिकल इटालियन एडवेंचरर के बारे में एक बुक है, नहीं डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए ये आर्टिकल. और यहाँ पे ये आर्टिकल द हिंदू का इंटरनल आर्टिकल है, हर मंडे को प्रकाशित होता है. द हिंदू ने कौन सी न्यूज किस पेपर पे क्यों पब्लिश की, कौन से पेज पे क्यों पब्लिश की, ये सब बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. ये दोनों आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये आर्टिकल JGM यानी गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के बारे में है, वहां पे लीडरशिप में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, नहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के लिए. लेकिन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का वासिनार अरेंजमेंट से संबंधित हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम WTO से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. GS पेपर 2 में इस टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल. WTO को फाउंड किया गया था 1995 में. मकसद था विभिन्न कंट्रीज के बीच में ट्रेड को प्रमोट करना. तो काफी सारे एग्रीमेंट्स हैं WTO में, लेकिन इस आर्टिकल में हमारा फोकस है WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे. तो देखो मुख्यतः तीन बातें आती हैं WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में. सबसे पहले मार्केट एक्सेस, दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज या एक्सपोर्ट कंपटीशन. मार्केट एक्सेस का मतलब यह है कि देखो मान लीजिए इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं USA में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि USA उस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे और वो प्रोडक्ट USA के कंज्यूमर्स के लिए, USA के कस्टमर्स के लिए बहुत महंगा हो जाए, तो फिर तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं अमेरिका में. तो इसीलिए मार्केट एक्सेस में आता है कि विभिन्न कंट्रीज के प्रोडक्ट को दूसरे देशों में एक्सेस मिलनी चाहिए, यानी विभिन्न जो कंट्रीज हैं वो दूसरे देशों के माल पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाएं, समझ गए. तो ये सब कुछ आता है मार्केट एक्सेस में. दूसरे नंबर पे आता है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट. डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में क्या आता है, देखो जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी जाती है किसानों को ताकि किसानों की एम्पावरमेंट हो. हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है डिस्ट्रेस में रहता है, तो वो जो सब्सिडीज हम देते हैं किसानों को वो सारी चीजें आती हैं डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में. तो मेनली देखो तीन तरह की सब्सिडीज दी जाती है एग्रीकल्चर में किसी देश के द्वारा किसानों को. सबसे पहले ग्रीन बुक सब्सिडी, ये जो नाम है वो ट्रैफिक सिग्नल के नाम पे ही है, ग्रीन बुक्स, ब्लू बुक्स, एम्बर बुक्स. तो देखो ग्रीन बुक्स में वो सब्सिडीज आती हैं अगर कोई देश किसानों को एम्पावर करना चाहता है रिसर्च करके, किसानों को जानकारी देके, उनको इन्फॉर्मेशन देके कैसे वो लोग खेती कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं ग्रीन बुक्स में. तो ग्रीन बुक सब्सिडी पे किसी तरह का विवाद नहीं है, कोई देश कितनी भी ग्रीन बुक सब्सिडी दे सकता है, मतलब रिसर्च के लिए कितना भी पैसा एलोकेट कर सकता है, कोई भी दूसरा देश इस चीज पे एतराज नहीं कर सकता, WTO की डिस्प्यूट रिसेटलमेंट बॉडी के पास नहीं जा सकता. दूसरे नंबर पर सब्सिडी आती है ब्लू बुक सब्सिडी, ये भी प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज है, प्रोडक्शन के साथ नहीं बढ़ती, इसलिए इस पर भी कोई विवाद नहीं है. बहुत कम कंट्रीज जैसे आइसलैंड, स्लोवेनिया, वो सब देश इसे फॉलो करते हैं, इस पर भी कोई विवाद नहीं है. लेकिन विवाद है एम्बर बुक्स सब्सिडी पे, इस पर विवाद है. हम किसानों को यूरिया पर सब्सिडी देते हैं, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, इस तरह की सब्सिडीज पे विवाद है और इसको कहते हैं एम्बर बुक सब्सिडी. डेवलप कंट्रीज का कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा उनके फार्मर्स को जो सब्सिडी दी जाती है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रेड डिस्टोर्टिंग है. कैसे, फॉर एग्जांपल देखो अगर इंडिया किसानों को यूरिया पर सब्सिडी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करवा रहा है, तो इससे होगा क्या, किसानों को काफी कम लागत आएगी, काफी कम खर्च आएगा फसलों को प्रोड्यूस करने में. तो किसान जो फसल प्रोड्यूस करेंगे उसके दाम काफी कम होंगे क्योंकि ऑलरेडी किसानों को काफी कम खर्च आया है. लेकिन अमेरिका अगर कोई फसल एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया में, तो अमेरिका की जो फसल है वो हमारे फार्मर्स की फसलों के आगे टिक नहीं पाएंगी क्योंकि अमेरिका की फसलों के दाम ज्यादा होंगे और हमारे फार्मर्स ने जो फसल प्रोड्यूस की है उनके दाम काफी कम है क्योंकि उनको सब्सिडी दी गई थी. तो इसीलिए डेवलप कंट्रीज कहते हैं कि ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है वो ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है, तो इसे कम करने का वो बात कहते हैं. तो WTO में देखो एम्बर बॉक्स सब्सिडी को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट भी है. क्या है वो, पहले उसे ही हम समझ लेते हैं. देखो 1986 और 1988 इस दौरान कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में, पहले तो आप उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वैल्यू निकालिए. तो फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में 1986-1988 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसकी वैल्यू आती है 1,00,000 रुपए, और डेवलप कंट्रीज में 1986-1988 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसकी वैल्यू आती है 1,00,000 रुपए. तो अब देखो एग्रीमेंट के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज को
1986-88 के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वैल्यू के 10% तक एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लिमिट करना है, और डेवलप्ड कंट्रीज में जितना प्रोडक्शन होता था, जितनी वैल्यू है 1986-88 के हिसाब से, तो उस वैल्यू का 5% तक एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेके जाना है। तो अब सोच के देखिए कि देखो इनका तो ऑलरेडी जो प्रोडक्शन वैल्यू थी 1986-88 में बहुत ज्यादा, 1 करोड़ रुपए, और हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की सिर्फ 1 लाख, तो इनका तो देखो डेवलप्ड वालों का 1 करोड़ का 5% भी काफी ज्यादा हुआ, 5 लाख, यानी 5 लाख तक की वो सब्सिडी दे सकते हैं किसानों को। और इंडिया समेत जो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो प्रोडक्शन वैल्यू थी 86-88 में वो सिर्फ थी 1 लाख रुपए, तो इसका 10% कितना हुआ, सिर्फ 10,000। तो ये जो चीज है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि देखो हम सब्सिडीज देते हैं किसानों को उनकी एम्पावरमेंट के लिए, एक तो फूड सिक्योरिटी के लिए और किसानों को डिस्ट्रेस से बचाने के लिए। अगर WTO की इस बात को हम मानेंगे तो हमारे जो किसान है वो सफर करेंगे और फूड सिक्योरिटी हमारी सफर करेगी, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। लेकिन डेवलप्ड कंट्री जो है बार बार इस बात पे फोर्स करते हैं कि आप अपनी एम्बर बॉक्स सब्सिडी को कम कीजिए। तो ये पूरा डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में हमने जाना। तीसरे नंबर पे आता है एक्सपोर्ट कंपटीशन या फिर एक्सपोर्ट सब्सिडी। दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले मार्केट एक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना, दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक सपोर्ट, 3 सब्सिडीज की हमने बात की, तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट सब्सिडी। देखो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा अपने किसानों को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाता है ताकि उनके जो किसान हैं वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, यानी अमेरिका और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये चाहते हैं कि उनके किसानों की जो फसलें हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट में ज़्यादा बिकें, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं अपने फार्मर्स को एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को इससे दिक्कत है, क्योंकि देखो अगर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अपने किसानों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में सब्सिडीज देंगे तो उनकी जो फसलें हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के फार्मर की जो फसलें हैं वो हमारी मार्केट में बहुत सस्ते दामों में बिकने लगेंगी, तो इससे तो हमारे जो फार्मर्स की फसलें हैं वो नहीं बिक पाएंगी और उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज को दिक्कत है डेवलप्ड कंट्रीज की एक्सपोर्ट पर जो सब्सिडी दी जाती है उससे, समझ गए? तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को कि आप एक्सपोर्ट पर जो ये सब्सिडी देते हो अपने फार्मर्स को, उस सब्सिडी को आप बंद कीजिए। तो ये पूरा हमने ब्रीफ में समझा कि डिफरेंट तरह के जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में डिफरेंट जो इश्यूज हैं। तो अब देखो कंटेक्स्ट ये है कि 11वीं बाइनियल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी अर्जेंटीना में, हर 2 साल में एक बार होती है WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। WTO के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके ट्रेड मिनिस्टर्स या फिर कॉमर्स मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। तो 11वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी अर्जेंटीना में, काफी सारे मुद्दे हावी रहेंगे जैसे न्यू रूल्स ऑन फार्म सब्सिडीज, द एलिमिनेशन ऑफ सपोर्ट फॉर अनसस्टेनेबल फिशनरीज, रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स। लेकिन जो मेन मुद्दे रहेंगे वो हमने अभी डिस्कस किए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो देखो इंडिया और चाइना ने मिलकर एक जॉइंट प्रपोजल रखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो अपने किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा उनके किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है एक्सपोर्ट सब्सिडी, उसको $160 बिलियन तक कम करें डेवलप्ड कंट्रीज। ये जॉइंट प्रपोजल इंडिया और चाइना ने मिलकर रखा है और 100 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन भी किया है। तो डेवलप कंट्रीज इस बात को नहीं मानेंगे, वो अपने फार्मर्स को जो एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं उसको नहीं कम करने वाले। दूसरी तरफ डेवलप कंट्रीज ये कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा उनके फार्मर्स को जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे हम यूरिया पर सब्सिडी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, डेवलप कंट्रीज कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज इस तरह की एम्बर बुक सब्सिडी को कम करें। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि हम अपने किसानों को एम्बर बॉक्स सब्सिडी की बात कर रहे हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए। ये जो सब्सिडी है हमारे द्वारा दी जाती है ये पुअर्टी एलिविएशन प्रोग्राम का हिस्सा है, फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अहम है, इसीलिए हम इस तरह की सब्सिडी को कम नहीं कर सकते। अब देखो ग्रुप 33 एक कोलिशन भी है 33 कंट्रीज का, जिसमें इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया ये सब हैं। अब ये जो ग्रुप है 33 कंट्रीज का, G33, ये मांग कर रहा है कि उनको एग्जम्पशन मिलना चाहिए, यानी उनको ना कहा जाए एम्बर बॉक्स सब्सिडी को रिड्यूस करने के लिए, उनको एग्जम्पशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए 33 देश एक साथ आए हैं, इस ग्रुप को कहते हैं G33। अब लास्ट में आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि अमेरिका समेत जो दूसरे डेवलप कंट्रीज हैं वो सीरियस नहीं है WTO को लेकर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, और ना ही WTO में होने वाले किसी एग्रीमेंट को लेकर। WTO की जो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो तो सिर्फ कंसर्न्स दिखाने का, इश्यूज बताने का कि हमारे ये इश्यूज हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जबकि होना तो ये चाहिए कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सभी देश मिल बैठ के बात करें, नेगोशिएट करें कि क्या हल निकल सकता है। नहीं, सभी देश बस इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं अपने अपने कंसर्न्स बताने के लिए, अपने अपने इश्यूज बताने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का एग्रीमेंट सही रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब देखो अमरीका जो है, आपको पता है ट्रंप बार बार फोकस करते हैं अमरीका फर्स्ट पे, प्रोटेक्शनिज्म की उनकी पॉलिसीज हैं, इसलिए भी वो WTO को ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे हैं। एक एग्जांपल ये भी है, अभी हाल ही में फ्रेश अपॉइंटमेंट्स नहीं होने दी अमेरिका ने WTO के
एपिलेट बॉडी में, ये मैनिफेस्ट करता है कि अमेरिका जो है वो WTO को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल था WTO के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का वासेनार अरेंजमेंट से संबंधित है। GS पेपर 2 में इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया अब मेंबर बन गया है वासेनार अरेंजमेंट का। 42वां मेंबर इंडिया बन गया है वासेनार अरेंजमेंट का। वासेनार अरेंजमेंट जो है वो कन्वेंशनल आर्म्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। इवन जो ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज या फिर ड्यूल यूज गुड्स हैं, मतलब कि वो सामान या फिर वो टेक्नोलॉजी जिनका दोनों लिहाज से यूज हो सकता है, वेपन्स को क्रिएट करने के लिए भी और डेवलपमेंट करने के लिए भी, तो इस तरह के ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज या फिर ड्यूल यूज गुड्स को भी रेगुलेट करता है वासेनार अरेंजमेंट। तो इससे इंडिया को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं पहले वो ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंडिया मेंबर नहीं था वासेनार अरेंजमेंट का, और वासेनार अरेंजमेंट के जो मेंबर्स थे वो इसी लिहाज से इंडिया को ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जबकि इंडिया मेंबर बन गया है वासेनार अरेंजमेंट का, तो इंडिया ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाएगा। इंडिया की इंडस्ट्रीज को इससे काफी फायदा होगा। तो देखो, इंडिया और US के बीच में 2008 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि USA समर्थन करेगा हमारा जो ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम है। मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम में देखो चार चीजें हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में देखो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाता है। दूसरे नंबर पे है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम यानी MTCR। अब इंडिया इसका मेंबर बन गया है। तीसरे नंबर पे है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG का इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो इंडिया की मेंबरशिप में बार बार रोड़ा अटकाता है। चौथे नंबर पे है वासेनार अरेंजमेंट, ये कन्वेंशनल आर्म्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। इसका मेंबर इंडिया अब बन गया है। तो मल्टी कंट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम के चार ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया दो ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर अब बन गया है, MTCR और वासेनार अरेंजमेंट। और देखो सिग्निफिकेंट ये इसलिए भी है क्योंकि चाइना मेंबर नहीं है। चाइना ना तो MTCR का मेंबर है और चाइना ना ही वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर है, लेकिन हम मेंबर बन गए हैं MTCR के भी और वासेनार अरेंजमेंट के भी। और इंडिया ने अभी तक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT ट्रीटी है उसे भी साइन नहीं किया है, फिर भी इंडिया को मेंबरशिप दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि NPT ट्रीटी के मामले में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अल्दो हमने साइन नहीं किया है वो ट्रीटी, लेकिन जो प्रोविजंस हैं उसको फुलफिल करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसी वजह से हमको मेंबरशिप मिली है वासेनार अरेंजमेंट में भी। तो एक बात ये भी सिग्निफाई करती है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो US, फ्रांस, इन सब देशों के साथ अच्छे हैं, रशिया, फ्रांस, US, तभी तो इन्होंने हमारी मेंबरशिप का समर्थन किया वासेनार अरेंजमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये चाइना के लिए भी आई ओपनर होना चाहिए कि वो NSG में हमारी मेंबरशिप में रोड़ा ना अटकाए। तो ये पूरा आर्टिकल था वासेनार अरेंजमेंट के बारे में। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, वासेनार अरेंजमेंट एडमिटेड इंडिया एज 42nd मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडिया मेंबर बन गया है 42वां वासेनार अरेंजमेंट का। वासेनार अरेंजमेंट है क्या? इंडिया को क्या फायदा हो सकता है वासेनार अरेंजमेंट की मेंबरशिप मिलने से? 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद कोट है आज का, द एजुकेशन ऑफ मैन इज नेवर कंप्लीटेड अंटिल ही डाइज। देखो, स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ हम जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं वहीं खत्म नहीं होती आती एजुकेशन। जब तक हमारी लाइफ है तब तक एजुकेशन हमारी जारी रखती है, क्योंकि जो लाइफ यानी जीवन जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। एजुकेशन की सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होती पढ़ाई की डायमेंशन, बहुत तरह की एजुकेशन होती है, मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन जो हम कॉलेजेस में प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जब तक हमारी लाइफ है हम जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो एजुकेशन की जो ये प्रोसेस है वो मरने तक जारी रहती है। रॉबर्ट ई ली ने ये बात कही थी, ये हम यूज कर सकते हैं एथिक्स में, एसे में। क्वेश्चन आगे दो अटेम्प्ट्स आपको और करने हैं। देखो, जो यंग पीपल हैं जिनके अंदर एथिकल वैल्यूज हैं, आप जैसे लोग जिनके अंदर एथिकल वैल्यूज हैं, वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करते, तो आप कुछ स्टेप बताइए जिसकी सहायता से उनको मोटिवेट किया जा सके, वो राजनीति में आए और एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हो। तो ये एथिक्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 150 वर्ड्स में। और एक सोसाइटी का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कि देखो, भाषा के आधार पर जो स्टेट बनाए गए थे, क्या उससे इंडिया में यूनिटी और ज्यादा आई है? समझ गए, क्या भाषा के आधार पर स्टेट बनाने से इंडिया में यूनिटी आई है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 150 वर्ड्स में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नॉर्थ कोरिया से संबंधित है। एसएस, देखो, नॉर्थ कोरिया की जो टेंशन है पड़ोसी देशों के साथ या फिर USA के साथ में, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता सिलेबस के किसी टॉपिक के अंडर, लेकिन फोल्डर मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो आप इस टॉपिक को। डिसआर्ममेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, इवन इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये इश्यू, तो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, नॉर्थ कोरिया ने अभी हवासोंग 15 मिसाइल का निर्माण कर लिया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो स्ट्राइक कर सकती है
वर्ल्ड के कई सारे हिस्सों में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, सियोल में, टोक्यो में, मास्को में, ब्रुसेल्स, लंदन, यहां तक वार कर सकती है ये मिसाइल जो अब नॉर्थ कोरिया ने डेवलप कर ली है। यानी अमेरिका की जो तमाम कोशिशें थी कि वो नॉर्थ कोरिया को रोक पाएं, कि नॉर्थ कोरिया इस तरह की मिसाइलों का निर्माण ना कर सके, अमेरिका की सारी कोशिशें असफल हो गई और नॉर्थ कोरिया ने आखिरकार इस तरह की मिसाइल्स बना ली हैं। नॉर्थ कोरिया देखो किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाता है। नॉर्थ कोरिया स्ट्रेटजी अपनाता है एस्केलेटिंग टू डी एस्केलेट। मतलब ये है कि टेंशन इतनी ज़्यादा एस्केलेट कर लेता है नॉर्थ कोरिया कई बार कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए, टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए जो ये कंट्रीज़ हैं यूएसए या फिर जो एलाइज कंट्रीज़ हैं यूएसए के, उनको किसी प्रकार की कंसेशन देनी पड़ती है नॉर्थ कोरिया को टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए। समझ गए? तो जानबूझ के टेंशन को एस्केलेट करता है नॉर्थ कोरिया ताकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ ना कुछ नॉर्थ कोरिया को कंसेशन दे ताकि टेंशन को डिफ्यूज़ किया जा सके, डी एस्केलेट किया जा सके। ये स्ट्रेटजी होती है नॉर्थ कोरिया की। यूएसए ने देखो सब कुछ करके देख लिया, नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगाए, आइसोलेट करके देख लिया, वार की धमकी भी दी, लेकिन नॉर्थ कोरिया को कर्ज नहीं कर पाया है यूएसए। और जो ये कंट्रीज हैं चाइना, रशिया, ये अपने आप को फिलहाल एसर्ट कर रहे हैं। ये देखो एक लेवल के बाद नहीं चाहते कि नॉर्थ कोरिया की जो समस्या है वो खत्म हो। हालांकि चाइना ये चाहता है कि उसके आसपास किसी भी तरह का न्यूक्लियर वार या फिर दूसरा वार स्टार्ट ना हो, क्योंकि अगर किसी तरह की इंस्टेबिलिटी आती है नॉर्थ कोरिया के अंदर तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चाइना को। चाइना के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो सकता है, तो ये चाइना नहीं चाहता। लेकिन एक लेवल के बाद चाइना ये भी नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया की जो समस्या है वो खत्म हो, क्योंकि चाइना को ये लगता है कि नॉर्थ कोरिया की समस्या जब तक बरकरार रहेगी तब तक यूएसए को कंटेन किया जा सकता है। और बाकी जो इन देशों की बात करें, जापान, साउथ कोरिया, ये तो देखो बहुत मुश्किल पड़ोस इनका है, बहुत मुश्किल सिचुएशन से ये गुजरते हैं, क्योंकि इनके पड़ोस में एक ऐसा देश है, एक ऐसा राजा रूल करता है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता कब वो क्या डिसीजन ले ले। इसलिए जो साउथ कोरिया और जो जापान है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और देखो ये इतने एडवांस कंट्री हैं कि ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण नहीं कर सकते, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि जब चाहे ये न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये यूएसए के भरोसे पे हैं कि यूएस ने इनको वादा करके रखा है कि आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब ट्रंप के आइडिया से धीरे धीरे इन देशों को भी ये लगने लगा है, जापान को, साउथ कोरिया को, कि यूएस पे रिलाय नहीं हुआ जा सकता। तो अगर देखो जापान और साउथ कोरिया, ये दोनों देश अगर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाते हैं तो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी मांगे उठेंगे कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएंगे, तो डोमिनो इफेक्ट भी इसका देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो देखो अमेरिका यानी ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो कुछ हद तक इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं। एक तो देखो ट्रंप ने बात कही कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई है वो उसे खत्म कर देंगे। अब देखो बातचीत से जो इतनी मुश्किल से सॉल्यूशन निकला था ईरान के साथ, उसको खत्म करने की बात अगर ट्रंप करते हैं तो नॉर्थ कोरिया को कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दें। उनको तो ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की सहायता से। इवन ट्रंप ने तो अब काफी सारी ऐसी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी नॉर्थ कोरिया को, इसीलिए उन्होंने और भी ज्यादा अपनी प्रोसेस को एक्सपीडिट कर दिया मिसाइल्स का निर्माण करने में। तो कुछ हद तक अमेरिका की पॉलिसीज जिम्मेदार हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो फेल हो गई है नॉर्थ कोरिया के इशू में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे सिचुएशन को सुधारा जाए, क्या अब किया जाए। तो देखो सबसे पहले तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को यह स्वीकार करना होगा कि नॉर्थ कोरिया अब एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स है नॉर्थ कोरिया के पास। उसके बाद बातचीत ही एकमात्र सॉल्यूशन है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बातचीत शुरुआत की जाए और इवन यूएसए भी नॉर्थ कोरिया से बातचीत करे। सिर्फ बातचीत की सहायता से ही अब इश्यू को सुलझाया जा सकता है, टैक्टिकल टूल्स की सहायता से अब इश्यू को नहीं सुलझाया जा सकता। अब यूएसए अगर यह धमकी दे कि हम आप पे वार कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, इन सब चीजों का अब कोई असर होने वाला है नहीं नॉर्थ कोरिया पे। ऑलरेडी उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर लिया है। अब तो ऐसी मिसाइल्स भी हैं नॉर्थ कोरिया के पास जो यूएसए की टेरिटरी तक पहुंच सकती हैं। तो देखो बातचीत ही एकमात्र सॉल्यूशन है। सिक्स पार्टी टॉक्स पहले होती थी नॉर्थ कोरिया के साथ पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए, उस सिक्स पार्टी टॉक्स को फिर से रिवाइव किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था नॉर्थ कोरिया के इश्यू पे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ट्रिपल तलाक के इश्यू से संबंधित है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ट्रिपल तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ट्रिपल तलाक से संबंधित कई सारे मामले सामने आ रहे थे। तो इसीलिए सरकार अब एक कानून बनाने जा रही है, बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के विंटर सेशन में ताकि कानून बनाया जा सके ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए। बिल का नाम है मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। तो अगर ये बिल
अगर ये ड्राफ्ट जो है कानून बन जाता है, पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तो उसके बाद अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। तो इसी चीज पे अब क्वेश्चन उठाते हैं राइटर। राइटर कहते हैं कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट दिया था तो आर्टिकल 141 के हिसाब से ऑलरेडी कानून बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो, समझ गए। तो अब काफी सारे इश्यूज ये भी हैं कि अगर देखो हस्बैंड और वाइफ सिर्फ 2 पर्सन मौजूद हैं और अगर हस्बैंड वाइफ को ट्रिपल तलाक देते हैं तो सबूत क्या है? अगर कोई चीज ओरली कही जाती है तो उसका कोई सबूत नहीं है, तो बाद में प्रूव नहीं किया जा सकता कि हस्बैंड ने यह बात कही थी, और इंटेंशंस को भी प्रूव नहीं किया जा सकता। हस्बैंड यह भी कहा जाता है कि मेरी इंटेंशंस तलाक देने की नहीं थी, मैं मजाक कर रहा था। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो कोर्ट में प्रूव करना काफी मुश्किल होगा। इवन देखो, ट्रिपल तलाक के बाद मेंटेनेंस मनी भी देना होता है हस्बैंड को वाइफ को। अगर 3 साल की सजा हो जाएगी हस्बैंड को तो फिर मेंटेनेंस मनी कैसे दिया जाएगा अगर वो जो हस्बैंड है वो जेल में होगा? तो ये सारे इश्यूज हैं। गवर्नमेंट को आवश्यकता नहीं है कि इस तरह से अलग से कानून बनाया जाए ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, वो कानून है। इवन ये भी कहते हैं कि देखो, 3 साल की सजा जो है जो हस्बैंड को होगी अगर कोई हस्बैंड ट्रिपल तलाक देता है तो वो सजा काफी ज्यादा है। इतनी सजा तो देखो हमारे देश में जो सीरियस सेक्शन है ना आईपीसी के अंदर, जैसे किसी पर्सन पे आरोप हो दंगा भड़काने का, या फिर सेक्शन 153 ये है कि अगर किसी पर्सन पे आरोप है कि डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में उसने एनमिटी फैलाई है, तब उसे 3 साल की सजा हो सकती है। तो इसीलिए ट्रिपल तलाक में जो 3 साल का प्रावधान सरकार रखना चाहती है वो गलत है। तो ये पूरा आर्टिकल था ट्रिपल तलाक के बारे में। ये हमारी आज की डिस्कशन थी। शुरुआत से हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने WTO के इशू को डिटेल से समझा, हर तरह की सब्सिडी के बारे में हमने जाना, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को हमने डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद हमने वासेनार अरेंजमेंट को समझा, इंडिया मेंबर बन गया है वासेनार अरेंजमेंट का तो क्या फायदा इंडिया को हो सकता है। उसके बाद हमने नॉर्थ कोरिया के इशू को समझा, और सबसे लास्ट में हमने समझा ट्रिपल तलाक के इशू को, सरकार जो कानून बनाना चाहती है ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे उसमें क्या कंसर्न्स हैं। राइटर ने वो सारे कंसर्न्स को डिस्कस किया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।